क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूँ डॉक्टर क्षितिज गुगलानी। दोस्तों आज मैं डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं मेंटल हेल्थ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सब पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पहली वीडियो में मिलेगा कि ये क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, और दूसरी वीडियो में मिलेगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कैसे हम इसको सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, और क्या बेसिक स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ये थोड़ा इंप्रूव हो जाए। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी, एंड जितना मैंने साइकाइट्री में पढ़ा है, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेंटल इलनेसेस के साथ, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड मेरे को लगता है कि ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है और किसी के हेल्प आ रहा है। और दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। फर्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है आज की डिप्रेशन पे, कि डिप्रेशन क्या होता है और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, और क्या कॉजेज होते हैं इसके, और इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसको समझेंगे अच्छे से आज हम कि डिप्रेशन होता क्या चीज है। और अगर आपको लगता है कि आपके जानकार में किसी को है या आपको है, तो फिर आप कैसे उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ, टूवर्ड्स अ हेल्दी मेंटल वेलबींग आप जा सकते हैं, अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया में सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है, बस एक चीज में पीछे रह गया है कि मेंटल हेल्थ टैबू में। किसी को अगर लगता है कि वो डिप्रेस्ड है, अगर वो बोलता है अपने दोस्तों को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को, वो बोलता है अरे कुछ नहीं है, चलना ठीक हो जाएगा, सुबह जल्दी उठो, दौड़ लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों अगर फ्रैक्चर हो जाता है किसी को, तो फिर वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, प्लास्टर लगवाता है, 4 महीने का ट्रीटमेंट लेता है, तब जाके ठीक होता है। किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयां लेता है, एंटासिड लेता है, तो ठीक हो जाता है। उसी तरह दोस्तों मेंटल इलनेस भी है। अब अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो नहीं कहेंगे ना सुबह उठो जल्दी दौड़ लगाओ ठीक हो जाओगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेस्ड मूड रहता है बहुत ज्यादा, और अगर आपको वो सिम्टम्स होते हैं जो डिप्रेशन में देखे जाते हैं, तो डरो मत, सीक आउट करो हेल्प, साइकोथेरेपी लो, फार्मेकोथेरेपी लो, ये दो ट्रीटमेंट है जो मेन होते हैं, साइकोथेरेपी और फार्मेकोथेरेपी। एक साइकाइट्रिस्ट को विजिट करो, या फिर एक साइकोलॉजिस्ट को विजिट करो, या फिर एटलीस्ट अपने किसी क्लोज वन से शेयर करो कि आपको ऐसा फील हो रहा है, और उनको कहो कि भाई ये मजाक नहीं है, ये मेरे को सच्ची में लग रहा है, मैं एक लो पॉइंट में हूं बहुत, एंड आई नीड हेल्प। You have to say that, you have to admit, self-acceptance is the starting point towards the mental well-being. दोस्तों थोड़े stats देख लेते हैं। आज के जो recent time के stats है, वो कहते हैं कि 14-17% जो world population है, वो depression से पीड़ित है। मतलब कि आपके आसपास अगर 10 लोग हैं, उसमें से 1-2 को कोई ना कोई depression के symptoms हो ही रहे हैं। दोस्तों मैं आपको 9 साइंस एंड सिम्टम्स बताने जा रहा हूं डिप्रेशन के, जो DSM-5 क्राइटेरिया से ले गए हैं, उसमें से अगर आपको 5 है और जो पहले 2 हैं वो हैं, और 2 हफ्ते से ज्यादा की ड्यूरेशन से हो रहा है, तो दोस्तों मोस्टली वो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, एंड यू नीड हेल्प। DSM-5 एक ऐसी साइकाइट्री की ब्रांच है, एक बॉडी है जो बनाती है डायग्नोसिस डिजीजेस का, यानी कि जो डिजीज साइकाइट्रिस्ट डायग्नोस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री, वो ये है। ये वही चीज है जो आप अपने आप से भी डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट इज दोस्तों परवेसिव एंड परसिस्टेंट सैडनेस, यानी कि परवेसिव मतलब ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ में, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में सैडनेस है, और परसिस्टेंट मतलब पूरे टाइम, रात दिन सुबह शाम सैडनेस है। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है दोस्तों लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका जो पहले काम में मन लगता था, जो आप करते थे आपको मजा आता था, उसमें अब कोई रस नहीं रहा है। लाइफ में कहते हो कि कोई रस ही नहीं रहा है, कि यार कुछ करने का मन ही नहीं करता। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज द सेकेंड वन। अगर ये है तो चेक कीजिए।
थर्ड इज दोस्तों की गिल्ट, आपको गिल्ट या फिर फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस हो रही है या फिर रिग्रेट हो रहा है, ये चीजें हो रही है कि मैंने ये क्यों किया, पीछे आगे क्या होगा, और गिल्ट और वर्थलेसनेस फील हो रहा है कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूं, मैं कुछ आगे कर ही नहीं सकता, और जो पिछला मैंने किया है वो सब बकवास हुआ है, एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, ऐसा तुमको फील होएगा। फोर्थ है दोस्तों, एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, पूरा दिन बस बिस्तर पे लेटने का मन करता है और कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, बिस्तर से हिलने का, पजामे से निकलने का मन ही नहीं करता। फिफ्थ है दोस्तों कि पुअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां आपके काम में फोकस इतना बढ़िया लगता था अब वो पुअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, और इनडिसाइसिवनेस हो गई है कि छोटी छोटी चीजों में भी कर नहीं पाते कि आज मैं जूते पहनूंगी चप्पल पहनूं, आज मैं ये कपड़ा पहनूंगी वो कपड़ा पहनूं, डिसाइड नहीं कर पाते छोटी छोटी चीज भी। सिक्स्थ है दोस्तों कि एकदम से वेट गेन हो गया या फिर एकदम से वेट लूज हो गया, ड्रास्टिक वेट चेंजेस। सेवन्थ है दोस्तों कि पूरा टाइम इरिटेटेड रहना या एजिटेटेड रहना चीजों से, कि यार सुबह उठता है बंदा और एकदम से इरिटेटेड सा हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, कोई भी कुछ कह दे तो कहे नहीं, गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, एकदम से ऐसे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, वो भी साइन हो सकता है डिप्रेशन का। एट्थ है दोस्तों कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, दिन में 10-10, 12-12 घंटे 14-14 घंटे सो रहा है, या फिर बहुत कम नींद आ रही है, सुबह में जल्दी नींद खुल जाती है, रात को देर से नींद आती है, इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। और दोस्तों नाइन्थ है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं, मैं अपने आप को हार्म कर दूं क्योंकि फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, आगे फ्यूचर में कुछ रखा नहीं है, जीने में क्या मतलब है, वर्थलेसनेस वाले फीलिंग आ रही है। कि ओमेगा साइन यानी कि माथे पे लाइनें बहुत ज्यादा आना, मुंह पे झुर्रियां आना जाना, तनाव रहना शक्ल पे, ये भी झलकाता है कि बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो दोस्तों अगर इनमें से 5 सिम्टम्स भी हैं और पहले 2 अगर हैं जरूर, और अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं आपको या किसी करीबी को, तो मोस्टली ये डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स है और उसके लिए ट्रीटमेंट और हेल्प जरूरी है ही। दोस्तों आओ जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, इसका कॉज क्या होती है, एटियोलॉजी क्या होता है। दोस्तों ये याद रखो कि डिप्रेशन है उसकी वजह हो सकती है एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल, ये 2 चीजें होती है जो मिलके डिप्रेशन कॉज करती है। साइकोलॉजी पे पहले बात करते हैं कि क्या साइकोलॉजी होती है पेशेंट की जो डिप्रेशन कॉज करती है। फर्स्ट इज दोस्तों 3 चीजें होती है, 3 नेगेटिव चीजें होती है उसकी माइंड में, यानी कि नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, अपने आप को बहुत नेगेटिवली देखता है पेशेंट, सोचता है कि वो वर्थलेस है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है उसमें। सेकेंड है दोस्तों जो दुनिया का व्यू होता है उसके लिए वो भी बहुत नेगेटिव होता है, वो सोचता है कहीं से उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, उसको इससे गुजरना है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता किसी भी तरह से। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस यानी कि उसको लगता है कि कोई भी जितना भी कोशिश कर ले उसको इससे बाहर नहीं निकाल सकता। थर्ड इज दोस्तों की फीलिंग ऑफ होपलेसनेस यानी कि उसको फ्यूचर में भी आगे नहीं लगता कि आगे कुछ अच्छा होएगा, और उसको सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट्स इसी की वजह से आते हैं कि उसको फ्यूचर ब्लीक और अंधकार में लगता है, इसकी वजह से बंदा डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। और हम कहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं है, कल सुबह जल्दी उठ दौड़ लगा ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना, उससे बोलना कि शेयर करो तुमको जो फील हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स फील हो रही है वो शेयर करो। फिर दोस्तों एनाटॉमिकल कॉज देखते हैं यानी कि जो ब्रेन में क्या चल रहा होता है, ब्रेन में जो चल रहा होता है वो है कि नेगेटिव हार्मोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में वो कम हो जाते हैं, कॉर्टिसोल का इंक्रीज हो जाता है, कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन, अगर वो डिप्रेशन के पेशेंट में चेक किया जाए 8 AM कॉर्टिसोल टेस्ट, नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन और फीलिंग लो के सिम्टम्स आते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, एनहेडोनिया होता है, किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, जब भी हम एंजॉय करते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन जैसे न्यूरोकेमिकल सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमको खुशी मिलती है, हमारे मुंह पे एक स्माइल आती है। बट डिप्रेशन के पेशेंट्स में दोस्तों ये देखा गया है कि वो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो उनका लेवल कम हो जाता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम हो जाता है, जब हम केक खाते हैं, खाना खाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, दोस्तों के साथ बतियाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, बट पेशेंट्स जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं उनमें नहीं होते हैं। तभी के लिए दोस्तों जो फार्मेकोथेरेपी चलती है, जो साइकाइट्रिस्ट दवाई प्रिस्क्राइब करता है, वो क्या करता है, एनाटॉमी को चेंज करता है, ब्रेन में जो एनाटॉमी होती है, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, ये डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, इनका सिक्रीशन बढ़ाता है, इनका रीअपटेक बढ़ाता है,
ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs, SNRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सब जो दवाइयाँ होती है, माओ इनहिबिटर्स, ये सब यही काम करती है कि हमारे ब्रेन में जो पेशेंट, जो डिप्रेशन का पेशेंट है, उसके ब्रेन में जो केमिकल्स की कमी है वो उसको ठीक करती है। उससे उसका ब्रेन को अच्छा लगता है, उससे कई बारी माइंड भी ओवरकम कर जाता है डिप्रेशन। इसीलिए फार्माकोथेरेपी इज सो इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, ये सब थेरेपीज होती है जो पेशेंट साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो उनको मिलती है, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो मिलती है, जिससे उनकी वो नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड सेल्फ ठीक होने लगता है। इसीलिए दोस्तों डिप्रेशन में शेयरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, और कैसे आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं कि डिप्रेशन है कि नहीं है, और क्यों आपको हेल्प लेनी चाहिए। और ये मेंटल टैबू प्लीज हटा दीजिए कि डिप्रेशन सिर्फ पागलों में होता है और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट घर पे ही हो जाता है। ये नहीं होता, ऐसा जाना पड़ता है, सीख हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता है बंदे को तो वो जाता है डॉक्टर के पास, अगर उसको पेट में गड़बड़ होती है डॉक्टर के पास जाता है, बुखार होता है जाता है, कोरोना वायरस होता है डॉक्टर के पास जाता है, डिप्रेशन है तो क्यों ना जाए। कई बारी 2 महीने से लेकर 6 महीने तक, कई बारी 1 साल तक डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चलता है, जिससे पेशेंट ओवरकम कर सकता है बहुत ही अच्छे से। तो ये याद रखो कि अगर आप किसी फर्म के मालिक हो, कहीं के बॉस हो, आपके अंडर 50 लोग काम करते हैं, तो दोस्तों 50 लोगों में से 2 लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स महसूस करते हैं, ये रिसेंट रिसर्च ने बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यार जो मेंटल हेल्थ है वो ऐसी वैसी कुछ नहीं है, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों से करना पड़ेगा बात कि यार चलो तुमको, अगर बच्चों तुमको कंपैरिजन लग रहा है, एग्जाम्स में स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, तो चिल मारो, हमसे शेयर करो। वो यार इंडियन पेरेंट्स ने तो रखा हुआ है एक बड़ा सा पहाड़ कि अगर हमसे बात करनी है ये बातें तो तुम नीचे से ही बात करो, कि अगर मेंटल हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी है तो यार तुम अपने दोस्तों में देखो या फिर किसी और से मिलो, हमसे तो बात एंड में ही करना, बिल्कुल नौबत ना आए बात करने की, ऐसा होता है कई जगहों पे। तो उस चीज को ठीक करना पड़ेगा जितना ज्यादा, क्योंकि डिप्रेशन में मेन ट्रीटमेंट ही ये है कि शेयर करना है जो फीलिंग्स है, बॉटल अप हो रखी है वो परेशान करती है। जब शेयर करते हैं तो लगता है कि नहीं हम साथ में हैं, जे एक उंगली साथ होती है तो वो टूट सकती है, जे 5 उंगलियां बन जाए मुट्ठी तो नहीं टूटती है। जब पेशेंट को लगता है कि यार नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में इतने लोग हैं, वो मेरा भला चाहते हैं, आगे जाके भी अच्छा होएगा, तो फिर ओवरकम करना शुरू करता है पेशेंट। शेयरिंग इज द बेस्ट मेथड टू ओवरकम डिप्रेशन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन का होम मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या आप अपने बेसिक लेवल पे कर सकते हैं जिससे डिप्रेशन थोड़ा मैनेज हो जाए। ट्रीट कराने के लिए, क्योर कराने के लिए मैं कहूंगा कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है, हेल्प चाहिए, बट जो चीज़ें घर पे आप कर सकते हैं उस पे अगली वीडियो होने वाली है। अगर वो हो चुकी है, बन चुकी है, तो यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे आएगी, उस वो भी देखिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ, फिटनेस, हेल्थ से रिलेटेड, एंड मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन है DM कीजिए इंस्टाग्राम पे द काइजन एक्सपीरियंस, वहां पे हम बातें करेंगे, दोस्त भी बन सकते हैं। एंड रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस बिग वर्ल्ड, दिस इज आवर डिजाइन। नमस्ते।